दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, सभी प्रकार के कपड़ों, शूटिंग शर्टिंग साड़ियां, सभी पर भव्य 50% की छूट। अवसर का लाभ लेने एक बार अवश्य पधारिए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, तार बाजार पांडुरना। पांडुरना में शुरू हो गया है जनता सेल। जी हाँ, जनता सेल, जहाँ आपको मिलेगी 40 रुपए से सभी प्रकार की वैरायटी के साथ प्लास्टिक के घरेलू सामान, मिक्सर, सुंदर पायदान और घरेलू सजावट की एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं। सेल में एक बार अवश्य पधारें और इस दीपावली में अपने घर को सजाएं सुंदर वस्तुओं से। हमारा पता जनता सेल, दुल्हन साड़ी सेंटर के बाजू में, पुलिस थाना के पीछे, पांडुरना। क्षेत्र में मंगलवार को गुड़ी पाड़वा पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हर साल की तरह इस वर्ष भी गुड़ी पाड़वा पर विद्यालय में एक दूसरे को तिलक लगाकर हिंदू नववर्ष की बधाई दी गई। इसके बाद आचार्यों ने तीन शेर चौक पर नागरिकों को तिलक लगाकर हिंदू नववर्ष की बधाई दी। इस मौके पर प्राचार्य दिनेश गिरी गोस्वामी, गुणवंत खोड़े, दिलीप राउत, संदीप घाटोड़े, राधेश्याम कसलीकर, प्रकाश खौसे, उल्लास राउत, प्रशांत सूर्यवंशी, गणेश रेवतकर, रविन्द्र पराड़कर और अन्य आचार्य उपस्थित थे। भारतीय संस्कृति के अनुसार संपूर्ण भारतवर्ष में आज गुड़ी पाड़वा के दिन नया वर्ष मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में सरस्वती शिशु मंदिर परिवार की ओर से हम नगरवासियों को बधाई देते हैं और उनके स्वास्थ्य और मंगल जीवन की कामना करते हुए सबको शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर परिवार, समस्त आचार्य परिवार, नगरवासियों को इस हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर नवीन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी का यह नवीन वर्ष मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बाड़ा खुर्द मार्ग पर जवाहर वार्ड में 2 एकड़ भूमि पर सुंदर और विशाल जय श्री कृष्ण मंदिर का गुड़ी पाड़वा के शुभ मुहूर्त पर भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस मौके पर मानुभाव पंथ के आचार्य कविश्वर कुलभूषण महंत श्री नागराज बाबा उर्फ गोपीराज शास्त्री श्री क्षेत्र रिद्धपुर ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर भूमि पूजन किया। सबसे पहले श्री कृष्ण मूर्ति को पंचामृत का अभिषेक करके गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया गया। इसके बाद कुदाली मारकर उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। उपस्थित कृष्ण भक्तों को बाबा जी ने मंदिर के महत्व और उसकी जरूरत पर प्रकाश डाला। मंदिर के लिए 2000 स्क्वायर फीट भूमि दान करने वाले कपिल बत्रा और उनकी पत्नी सौप्राची बत्रा को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में बलदेव दादा पातुरकर, नीलेश सोनटक्के, अरविंद सोनटक्के, अशोक केचे, सुरेश रिठे, मनोहर जिचकार, वसंतराव राउत, सुरेश लोहे, रमेश नवघरे, कांचनताई इशपुनियानी, प्रभाताई केचे, जयाताई राउत, राजूभाऊ मेटकर, बंटी जिचकार और अनेक नागरिकगण उपस्थित थे। सामाजिक संस्था चेतना मंच ने पंचशील चौक पर सार्वजनिक पियाव की शुरुआत की। हर साल गर्मियों में चेतना मंच द्वारा राहगीरों के लिए सेवा दी जाती है। यहाँ ठंडा पानी पीने से तपती धूप में राहगीरों को गला तर करने में मदद मिलती है। पंचशील चौक पर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से वाहन पहुँचते हैं। गाँव वाले वाहनों से उतरते ही पानी की तलाश में न भटके, इसलिए चेतना मंच हर साल सुविधा प्रदान करती है। मंगलवार को गुड़ी पाड़वा के अवसर पर मंच के संरक्षक गोपाल माहेश्वरी, राजू बेहुने, गोविंद अग्रवाल, योगेश खोड़े और अन्य लोगों ने उपस्थित होकर इस पियाव की शुरुआत की। घर पर सोलर पैनल लगाकर पाए महंगी बिजली बिल से मुक्ति। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ पाए। सोलर प्लांट से स्वयं की बिजली बनाकर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी पाए। तो जल्दी कीजिए आसान किस्तों पर अपने घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं इंडस्ट्रीज पर सोलर प्लांट लगाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें RR सोलर सॉल्यूशन, तार बाजार, कृषि उपज मंडी रोड, प्रोप्राइटर रवि खुड़कुड़िया। सोलर अपनाएं, समझदार कहलाएं।